मैडम मैडम एक जरूरी खबर। कैसी हैं आप? बहुत प्यासी। मेरी ये प्यास मेरे मकसद के कामयाब होने पर ही बुझेगी। और ये मकसद तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक राहुल अपनी जुबान न खोले। हाँ, ऐसा लगता है कि समुद्र से उसे निकाल के यहाँ तक पहुँचाने की तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सब्र का फल मीठा होता है। इतने महीने तुमने भी तो मेहनत की सारी दुनिया में, कोई मीठा फल लाए? नहीं, मैंने सारी दुनिया के खाक छान मारी, सब जादूगरों से मिलकर बातचीत की, लेकिन अमर संजीवनी बनाने की काबिलियत किसी में नहीं पाई। ये करिश्मा सिर्फ राहुल और राहुल ही कर सकता है। और वो नहीं कर रहा। करेगा, थोड़ा सब्र कीजिए, वो जरूर करेगा। क्या देख रहे हो? ये लड़का कौन है? ये लड़का शानू, जानते हो इसे? आप नहीं जानती है कौन है? हाँ, स्टूडेंट है। ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, राहुल के जबान पे पड़े हुए ताले की चाबी है। अगर हम जानते कि राहुल अपनी जबान नहीं खोलेगा तो इसे हम बहुत पहले उठा के ले आएंगे। खैर, हमारी किस्मत इसे यहां ले आई। अच्छा, तो शानू राहुल का बेटा है। कितनी बार कहा है कि क्या है? क्या अरविंद शानू की असलियत जान गई है? शानू, टिंकी टिंकी, चलो जल्दी उठो और निकलो यहाँ से। क्या हुआ चाचा? अरे सवाल बाद में पूछना, पहले अपनी जेब से गोली निकालो, मुंह में डालो और गायब हो जाओ, और पीछे वाले हिस्से में हमारा इंतजार करना। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, गो। आवरा का डाबरा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने प्यारा सिंह को यहाँ देखा तो मैं इसके पीछे पीछे चला आया यहाँ। मैडम, सच बात तो ये है कि मैं अपना कमरा ढूंढ रहा था, इसलिए गलती से यहाँ घुस आया। माथे पर पसीना, गर्मी, किसकी? मौसम की या फिर झूठ की? पहुंच लो, कहीं बह न जाए। मैडम, पिंकी, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे चाचा ने तो यही कहा था, पर वो है कहाँ? हाँ, मुझे जल्दी चलो। चलो चलो, शानू, अरबी को पता चल गया कि तुम राहुल के बेटे हो। शानू, वक्त आ गया अब आखिरी जंग का बेटा। लीमू जी, कसम तुली हुई दाल की, इस बैड वुमेन दी लालटेन को है ना, हम सब मिलके तोड़ डालेंगे। हाँ, हाँ, और सबसे पहली मदद हम करेगा। वो कैसे सर? हमको इस आबरा के डाबरा स्कूल का एक बहुत बड़ा राज मालूम है। वो क्या है सर? 200 साल पहले स्कूल के फाउंडर गुरु आदित्य नोन जी ने एक जादुई छोड़ी बनाई थी, मगर बिजली नाम की एक चालाक जादूगरनी ने वो छोड़ी छीननी चाहिए। कौन बिजली? बेटा, बिजली वही जिसकी तस्वीर आरबी के कमरे में लगी है। आरबी बिजली के ही वंश की है। जादूगरनी बिजली ने
गुरुजी को मार दिया लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, साथ ही साथ बिजली की भी मौत हो गई। चाचा वो छड़ी का क्या हुआ? अरे सुना है कि एक अजीब सी गुफा में गुरुजी की आत्मा अभी भी उस छड़ी की देख रेख कर रही है। अरे बाबा बहुत शक्तिशाली छड़ी है वो, एक बार मिल गई ना तो आरपी से टकराने में बहुत मदद करेगी हम लोग की। हाँ ओए तो फिर सोचना क्या है, वो छड़ी को लेने हम चलते हैं। अरे दिलबाग हर पल आरपी की नजर जो है वो गेट पर लगी रहती है, जैसे हम बाहर गए आरबी को पता लग जाएगा। गुफा में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास गोलियां हैं, और गोलियां बच्चों के पास हैं। वो तो गोलियां हम ले लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, और आरबी के हवाले बच्चों को कर देते हैं। है? चाचा मैं जाऊंगा छड़ी लाने। मैं नहीं हम। अब उस छड़ी तक कैसे पहुंचना है हम तुमको समझाता है। देखो जब नदी पार करेगा ना तो एक बहुत बड़ा जंगल है, और उस बहुत बड़ा जंगल में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, किंतु बच्चा लोग डरना नहीं। जादुई छड़ी को लेने से पहले मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी है। अंकल अभी ये ओरल टेस्ट से ज्यादा जरूरी है हमारा ये मैजिक वॉन्ड को अपने साथ लेके जाना, इसलिए हम ओरल टेस्ट कभी बाद में देंगे, ठीक है? ठीक है। मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो ये अपनी जान से हाथों बैठेगी। मैं दूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। पूछिए। सच क्या होता है? सच झूठ का ऑपोजिट होता है, और जो झूठ होता है वो सच होता है, और जो सच होता है वो झूठ होता है। अब इन दोनों की जान तुम्हारे हाथ में है बेटे, इन्हें बचाना है तो सही जवाब दो। सच क्या होता है? सच सच तो सिर्फ एक ही है, गॉड, भगवान, बाकी सब झूठ है। मगर भगवान को दिल में बसा लिया जाए तो हर झूठ सच में बदल सकता है। बहुत खूब। जीवन क्या है? वो जो दूसरों के लिए जिया जाए। सूरज से क्या सीखते हो? खुद जलना और औरों को प्रकाश देना। और चांद से? हाँ, सारे जग को शीतल करना बिना भेदभाव के। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। मैं आदित्यानंद हूँ। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं तुम्हारे परदादा का दादा हूँ, यानी कि तुम मेरे वंशज हो। सदियों से इंतजार में था कि एक दिन मेरा अपना कोई आएगा तो मैं उसे अपनी धरोहर ये जादू की छड़ी दूंगा, और ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। अब मुझे मोक्ष मिलेगा
और तुम्हें ये जादू की छड़ी। शानू, ईश्वर तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी दे। Yes!